इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतलाए अनवार, उस खाक में उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न चुकी जिसकी जहांगीर के आगे। आज सिर्फ एक पर्चे के डर से हक छोड़ देते हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी तो वो है कि जहांगीर ने चाहा, दो बादशाहों से टक्कर हुई है इमाम साहब की, दो बादशाहों से, अकबर से और जहांगीर से। और इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी इमाम साहब तो वो है कि जहांगीर ने कहा अपने सिपाहियों से, तुम बड़े नालायक हो, बड़े ही कमबख्त हो, तुम एक इस बाबे का सर मेरे सामने नहीं झुका सके। उन्होंने कहा जी हमने अब तरकीब एक सोच ली है, इस तरीके से हम आपके सामने उसका सर झुका देंगे। उसने कहा क्या? उन्होंने कहा आपने एक दिन आना है, हम आपको बताएंगे। उन्होंने जहांगीर को ऐसे बिठा दिया और एक दीवार तामीर की, उसके अंदर एक छोटा सा दरवाजा, खिड़की नुमा दरवाजा रखा, और इमाम रब्बानी को यहाँ से लाए। सामने जहांगीर कुर्सी पर बैठा हुआ है कि अब तो इमाम रब्बानी जब इस दरवाजे से गुजरेंगे तो सर नीचे करना ही पड़ेगा ना, लेकिन हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, हाँ जी, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस से गर्म से है गर्मी अहरार, है जी। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो हजरत इमाम रब्बानी ने सांस ली है ना, उसकी बरकत से क्यामत तक और पसंदों को हुर्रियत की जनाब चराग और रोशनी मिलती रहेगी। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी, इमाम साहब को जब सामने लाया गया ना, तो इमाम साहब ने देख लिया कि ये मेरा सर झुकाना चाहते हैं, लेकिन इमाम का सर तो अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं ना झुकता, और मुसलमान का सर अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता, और जो दर दर पर जाकर झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हैं जी, जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हैं जी। और इमाम रब्बानी को जब सामने लाया गया, इमाम साहब ने देखा ये सर झुकाना चाहते हैं, तो फिर सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सर फरोशी के फसाने में। इमाम साहब ने जब सामने देखा ना, तो आपने पहले टांगे दाखिल किया सर। ये बात नहीं है, लोग कहते हैं कि जी इनका रवैया बड़ा सख्त है, ये बड़ी सख्ती से पेश आते हैं जनाब, ये अखलाक से बात नहीं करते। मैंने कहा इमाम रब्बानी वो है, आधी फौज इमाम रब्बानी से, बल्कि तकरीबन जहांगीर की फौज इमाम रब्बानी से इस वजह से मुतासर थी कि इमाम साहब की नमाज का खुशबू खुशू देख कर ना फौज मुतासर हो गई थी कि इमाम साहब इतनी खुशबू खुशू से नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा जब दीन की बात आ जाए तो फिर इमाम रब्बानी ने यह नहीं कहा कि अब खुशबू खुशू की जरूरत है, फरमाया आप इसको अपना जूता दिखाने की जरूरत है। हाँ दीन की बात आ गई है, हाँ दीन की बात आ गई है।